dailynews360.com की ओर से पेश है असम की पांच बड़ी खबरें। एक फेसबुक पेज पे पोस्ट की गई तस्वीर को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्ट्रिक्टली फॉर मैन नाम से फेसबुक पेज पे एक तस्वीर पोस्ट की गई थी। तस्वीर में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की वे मॉडल्स नजर आ रही हैं जिन्होंने मिस इंडिया 2017 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस तस्वीर पे लोगों ने बहुत ही आपत्तिजनक व अश्लील कमेंट किए हैं। संसद की एक समिति ने सरकार और एक अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारियों से असम में अफ्सा लगाए जाने के बारे में पूछताछ की और सवाल किया कि क्या इसे राज्य के संवेदनशील जिलों तक ही सीमित किया जा सकता है। कांग्रेस नेता चिदंबरम की अध्यक्षता वाली गृह मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति को गृह सचिव राजीव गौबा और असम राइफल्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। AIUDF के पूर्व विधायक शेख अलूम ने भड़काऊ बयान दिया है। अलूम ने कहा कि अब राज्य में ज्यादा मुस्लिम है। 70 सालों तक मुस्लिम डिफेंसिव थे लेकिन एक दिन वे भी हमला करेंगे, उन्हें सिर्फ कुछ वक्त चाहिए। अलोम ने यह बयान AIUDF के चीफ की मौजूदगी में दिया लेकिन अजमल ने अलोम के बयान का समर्थन नहीं किया है। फ्रीडम फाइटर व पत्रकार कमला सैकिया के सनसनीखेज हत्या पर संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने असम सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इसमें कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। 1991 में पत्रकार कमला सैकिया के निर्शंग हत्या कर दी गई थी। 9 अगस्त को उल्फा के उग्रवादियों ने कमला सैकिया को शिव सागर में स्थित उनके घर से अगवा किया था। युवा मुक्केबाज अंकुशिता बोरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अंकुशिता ने आईबा महिला युद्ध विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लाइटवेट 64 किलो वर्ग में रूस की डायनिक को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और यह उपलब्धि हासिल की। धन्यवाद।